तो चुप बैठ यार, मैं समझाता हूँ। देखे जमादार साहब, ये तो शराफत की हद हो गई। हम लोग यहाँ पर आए थे एक नाटक करने के लिए, नाटक के लिए हीरोइन चाहिए। बस इतनी सी बात थी कि उस गुल्लू के पट्टे ने हमसे कह दिया कि तुम जाकर यहाँ पर गार्डन में खड़े हो जाओ, वहाँ पर जो लोग होते हैं वो हीरोइन देते हैं। तो हम लोग जाकर शराफत से खड़े हो गए। इतने में देखते हैं कि दो सांड टाइप के लोग आते हैं, दोनों की आंखों पर काला काला चश्मा, एक गोरा एक काला, गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, और दोनों के दोनों अंधे। और आकर मुंह पर सिगरेट लगाते हैं और हमसे पूछते हैं कि भाई साहब माचिस मिलेगी? हमने भी ईमानदारी से माचिस लगा डाली। अब माचिस लगा डाली और निकाल कर आग लगाई रहते हैं। इतने भाई साहब कहते हैं कि फू सारे ने माचिस बुझा डाली। और जब पूछा कि हीरोइन मिलेगी तो बोलता है कि नहीं, यहाँ पर तो पुड़िया मिलती है। तो हमने सोचा कि शायद आपके देश के अंदर भैया हीरोइन को पुड़िया कहते हैं। तो हमने कहा तो पुड़िया तो पुड़िया ही सी, पुड़िया ही बता दो। तो बस इतना बोलने की देरी है, इतने में उसने उठाया हमारा बैग ले लिया और अपना बैग थमा दिया और जाकर साले फूट गए। अब फूटने के लिए हम लोग भी फूट सकते थे, लेकिन भाई साहब के दिल के अंदर एक श्रद्धा जगी और कथा बन के हम लोग इधर आ गए।